ठीक है, जब आप मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है, क्या आप जबरदस्ती उसका रिश्ता मुझसे करवा रही हैं? राजी है? क्यों राजी नहीं है? तुमसे किसने कहा कि वो राजी नहीं है? जवाद की बातों से लगा मुझे। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें जवाद की नहीं मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप पर और मामी पर भरोसा करके तो मैं यहाँ आई थी, पर अब जवाद की हरकतें देखकर मेरा भरोसा खत्म होता जा रहा है। वो इफ्रा की बातें ऐसे। इफ्रा की तो तुम बिल्कुल भी परवाह ना करो, इफ्रा को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है, बस तुम अपने और जवाद के ताल्लुक को मजबूत बनाने पर तवज्जो दो बस। बेटा आ गया तुम्हारे, कब करिए मंगनी इसकी? मेरा बस चले तो आज मैं शादी की तारीख लेने चली जाऊं। क्यों जवाद? अम्मी अभी तो मैं वापस आया हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें उरूज पसंद तो है ना? हाँ, अच्छी लड़की है, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बस आज ही मैं और मुख्तार साहब जाएंगे, मंगनी की तारीख लेकर आएंगे और मंगनी के ठीक एक महीने बाद शादी। क्यों मुख्तार साहब? इस बार तो मुख्तार गुलाब है, जो आप चाहेंगी वही होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मुझे एतराज है,